समाजशास्त्र में समुदाय एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका अध्ययन इस शास्त्र की मुख्य विषय वस्तु के अंतर्गत आता है और यही आज हमारा विषय भी है। बोलचाल की भाषा में समुदाय को अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है और कई बार सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग समुदाय को जाति, धर्म या संप्रदाय से जोड़कर इसकी व्याख्या भी करते हैं। जैसे उदाहरण दूं तो ब्राह्मण समुदाय, मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय इत्यादि इस प्रकार से। लेकिन समाजशास्त्र में समुदाय एक पृथक रूप से काम लिया जाता है, उसका एक अर्थ जो है बिल्कुल अलग रूप से उसको प्रयोग में किया जाता है और वही सामाजिक दृष्टिकोण से सही भी है। समुदाय की परिभाषाओं को देखने से पहले उसकी शाब्दिक अर्थ या उसके शब्द पर उस पर जो है उस पर हम थोड़ा विचार कर लें। समुदाय यानी कि कम्युनिटी जो शब्द है, समुदाय जो शब्द है वो अंग्रेजी के कम्युनिटी शब्द का हिंदी अनुवाद है। ये शब्द दो लैटिन भाषा के शब्दों कॉम तथा म्यूनिस से मिलकर बना है। कॉम का अर्थ होता है टूगेदर यानी कि साथ साथ, और म्यूनिस का अर्थ होता है सर्विंग यानी कि सेवा करना। तो एक साथ मिलकर, साथ साथ मिलकर सेवा करना जो है वो कम्युनिटी का जो है मूल अर्थ है। लेकिन समाजशास्त्र में उसकी परिभाषाओं में उसके और भी कुछ विभिन्न पहलुओं पर हमारे यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम किंग्सले डेविस की परिभाषा को देखते हैं। किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। यानी कि समुदाय क्या है, एक छोटा क्षेत्रीय समूह, एक क्षेत्र विशेष का समूह है, क्षेत्र विशेष में रहने वाला छोटा समूह है जिसके अंतर्गत जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। यानी कि उसके जो सदस्य हैं वो अपने संपूर्ण जीवन को उसके अंतर्गत रहकर अपना जीवन जीते हैं। गिन्सबर्ग के अनुसार समुदाय एक निश्चित भूभाग में रहने वाली समस्त जनसंख्या है जो सामान्य नियमों की व्यवस्था द्वारा जीवन की अंतःक्रिया को प्रभावित कर साथ साथ रहते हैं। वही एक निश्चित भूभाग की बात आ रही है, जनसंख्या की बात आ रही है, लोगों की बात आ रही है, कुछ सामान्य नियमों की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत रहते हुए वो जीवन की अंतर्क्रियाओं में अंतर्क्रिया करते हुए दूसरे को प्रभावित करते हुए साथ साथ रहते हैं। तो इस प्रकार से समुदाय में हम देखते हैं निश्चित भूभाग, जनसंख्या इत्यादि, ये उसके कुछ आवश्यक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन समुदाय में सामाजिक संबंधों का होना आवश्यक नहीं है, इसमें अंतःक्रिया या संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वस्तुतः समुदाय निर्माण का मुख्य आधार स्वजातीय चेतना या हम की भावना यानी कि फीलिंग्स भी होती है। हालांकि इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि सामाजिक संबंध नहीं बनते, सामाजिक संबंध होते हैं, लेकिन एक समुदाय जब थोड़ा बड़ा समुदाय हो जाता है तो निश्चित तौर पर आमने सामने के सामाजिक संबंध हो ये कोई अनिवार्य भी नहीं, लेकिन सामाजिक संबंध वो समाज की बात है। लेकिन समुदाय में अंतःक्रिया या संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आमने सामने के संबंध हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जनसंख्या, हम की भावना या भूभाग ये अपने आप में निश्चित तौर पर जनसंख्या का समुदाय के तत्वों के अंतर्गत आता है। स्वजातीय चेतना या वी फीलिंग्स उस चेतना को कहते हैं जिसके द्वारा समुदाय के सदस्य ये अनुभव करते हैं कि वे सादे रूप से समान विचारों, लक्षणों तथा परिस्थितियों से बंधे हैं। यदि किसी एक पर समस्या या खतरा आता भी है तो पूरे समूह या समुदाय के संकट के रूप में उसे महसूस किया जाने लगता है। और यहाँ पर उदाहरण भी दिया, यदि किसी गाँव में या चोरी या डकैती होती तो गाँव के सभी लोग संकट या डर महसूस करने लगते हैं कि वो उनके ऊपर ही एक प्रकार का हमला। तो यही कारण है कि समुदाय में हम की भावना पाई जाती है। बोगार्डस के अनुसार समुदाय का विचार पड़ोस से आरंभ होकर संपूर्ण विश्व तक पहुंच जाता है। तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर, इन सारी विवेचना के आधार पर हम समुदाय के कुछ आवश्यक तत्वों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला है वो व्यक्तियों का समूह। निश्चित तौर पर एक व्यक्ति से समुदाय का निर्माण नहीं हो सकता है, बहुत सारे व्यक्तियों का जब बड़ा समूह जो बनता है, एक समूह जो बनता है तो वह समुदाय का निर्माण करते हैं। ये उसका सबसे पहला आवश्यक तत्व है, मनुष्य का या व्यक्तियों का होना बहुत अनिवार्य। दूसरा, निश्चित भूभाग, उसकी अपना एक निश्चित भूभाग या भू क्षेत्र होना बहुत अनिवार्य है समुदाय के लिए। बगैर भूभाग के समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती है। तीसरा, सामुदायिक भावना यानी कि वी फीलिंग्स, वो जो स्वजातीय चेतना की हमने बात की पहले, वो सामुदायिक भावना, वो वी फीलिंग्स समुदाय के लिए बहुत अनिवार्य या आवश्यक तत्व माना जाता है।
साझा संपूर्ण जीवन है, और व्यक्ति पूरा का पूरा अपना जीवन जो है साझा रूप में लोगों के साथ में मिलकर जीता है। समुदाय का स्वाभाविक विकास होता है, स्वतः विकास होता है, इसका किसी ने जानबूझकर या सोचकर इसका विकास नहीं किया जाता है। और एक और जो इसकी विशेषता समुदाय की हमें देखने को मिलती है वह है आत्मनिर्भरता। हालांकि आत्मनिर्भरता वर्तमान आधुनिक समाजों में आधुनिक रूप समय में आत्मनिर्भरता बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम प्रारंभिक समाजों की बात करें, उन समुदायों की हम बात करें, तो वहाँ पर हम देखें या ग्रामीण समुदायों की हम बात करें तो काफ़ी हद तक उनमें आत्मनिर्भरता जो है हमें देखने को मिलती है। तो ये समुदाय की अपनी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अब हम बात करें समुदाय की विशेषताओं पर। समुदाय की विशेषताओं में सबसे प्रथम रूप में जो आता है वह है व्यापक उद्देश्य व सामान्य जीवन। यानी कि समुदाय जो है वो किन्हीं निश्चित उद्देश्यों को लेकर या विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर इसका निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि समुदाय अपने सभी सदस्यों को व्यापक रूप से उनके सामान्य जीवन जीने के उद्देश्य को लेकर समुदाय जो होता है निर्मित होता है और उसी आधार पर वो काम करता है। तो समुदाय का अपना कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं है और कोई विशिष्ट विशेष बात भी उसमें नहीं है। व्यक्ति उसमें रहते हैं, एक साथ में रहते हैं, वे फीलिंग्स के साथ में रहते हैं, हम की भावना के साथ में रहते हैं और अपने उद्देश्य और सामान्य जीवन को और जीवन यापन उसमें करते हैं। दूसरा, समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, चाहे वो किसी भी रूप में उस नाम को पुकारा जाए, लेकिन उस समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है। कई बार उदाहरण भी आते हैं, जैसे समुदाय के प्रकारों में भी है, समुदाय गाँव है, कस्बा है, नगर है, तो उसका अपना नाम होते हैं। तो समुदाय के अपने कुछ विशिष्ट नाम होते हैं, वो किसी भी आधार पर हो सकते हैं, उसके आधार पर समुदाय की पहचान की जा सकती है। तीसरा, समुदाय का स्वतः विकास होता है, उसको सोच समझ कर नहीं बनाया जाता है। कई आधुनिक समाजों में कई प्रकार के बड़े बड़े डेवलप सिटीज जो बनाए जाते हैं, वेल प्लान्ड सिटीज जो है उसका निर्माण किया जाता है, लेकिन परंपरागत तौर पर देखें हम उसको या हम प्राचीन अवस्था से देखें तो समुदाय का जो विकास है वो स्वतः होता है, बगैर सोच समझ कर उसका निर्माण हो जाता है, सोच समझ कर निर्माण नहीं किया जाता है। और चौथी उसकी विशेषता है स्थायित्वता। समुदाय में हम ये बहुत मोटे तौर पर हम देखते हैं कि समुदाय में हमें स्थायित्वता देखने को मिलती है अपेक्षाकृत तौर पर। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए ही बने रहेंगे, लेकिन अपेक्षाकृत तौर पर हम देखें तो समुदाय में जो है काफ़ी हद तक स्थायित्व हमें देखने को मिलेगा, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के साथ में ये समुदाय चलता रहता है। हालांकि कई प्राकृतिक विपदाएँ जैसे भूकंप, बाढ़ इत्यादि इस तरह की चीज़ें अगर आ सकती आती हैं तो निश्चित तौर पर समुदाय जो है वो नष्ट भी हो जाते हैं, वरना सामान्य तौर पर समुदाय जो है वो स्थायित्व लिए हुए होते हैं, जो है स्थायित्वता पाई जाती है। अब हम बात करेंगे समुदाय और समाज में अंतर। समुदाय और समाज में, क्योंकि सामाजिक संबंधों की बात प्रारंभ में हुई थी, तो सामाजिक संबंधों तो समाज क्या है और समुदाय क्या है, इसके अंतर को हमें यहाँ पर समझना बहुत अनिवार्य है। और समुदाय और समाज में अंतर में सबसे पहला जो बिंदु है वही है सामाजिक संबंधों वाला, कि समाज का जो निर्माण होता है वो सामाजिक संबंधों से होता है, जबकि समुदाय के लिए सामाजिक संबंधों की होना अनिवार्य नहीं, बल्कि समाज के लिए वो व्यक्तियों का समूह है, वो वैसा व्यक्तियों का समूह है जो एक स्थान पर रहता है, तो उसकी व्यक्तियों का समूह। तो समाज सामाजिक संबंधों से बनता है, जबकि समुदाय जो है वो व्यक्तियों के समूह के द्वारा उसका निर्माण होता है। और इसी आधार पर हम उसकी दूसरी अंतर को भी देख सकते हैं कि चूंकि समाज सामाजिक संबंधों से बनता है और सामाजिक संबंध चूंकि अमूर्त होते हैं, इसलिए समाज भी अमूर्त है, जबकि समुदाय व्यक्तियों का समूह है और व्यक्तियों के समूह को देखा जा सकता है, वो मूर्त है, इसलिए समुदाय मूर्त है। तो समाज अमूर्त होता है जबकि समुदाय जो होता है वो मूर्त होता है। तीसरा जो अंतर है वो ये देखने के हमें आता है कि समाज एक जटिल व्यवस्था है। जटिल व्यवस्था क्यों है? जटिल व्यवस्था का सबसे बड़ा कारण जो है समाज का इसलिए है कि समाज जो है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है, उनके अपने अपने उद्देश्य होते हैं, उनके अपने अपने स्वार्थ होते हैं, तो इसलिए अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं, उनके उस प्रकार से सामाजिक संबंध बनते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत जटिल व्यवस्था जो है समाज की हो जाती है, जबकि समुदाय के हितों में बहुत ज़्यादा भिन्नता हमें देखने को नहीं मिलती है। सामान्य जीवन सभी प्रकार के लोग एक प्रकार से जीते हैं और उनके हित भी जो है तुलनात्मक दृष्टि से बहुत सीमित होते हैं, उनमें हम की भावना भी पाई जाती है। तो सामान्य तौर पर हम देखेंगे कि समाज की तुलना में समुदाय जो है वो कम जटिल है, जबकि समाज जो है वो एक जटिल व्यवस्था के अंतर्गत
आता है। इसके अलावा जो चौथा हम अंतर देखने को हमें मिलता है वो ये है कि समुदाय जो है उसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना अनिवार्य है। आवश्यक तत्वों की अगर हम समुदाय की बात करें जो हमने पहले की, तो समुदाय के आवश्यक तत्वों में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना बहुत अनिवार्य है, जबकि समाज किसी निश्चित भौगोलिक सीमा से बंधा हुआ नहीं होता है, इसलिए समाज के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से सामुदायिक भावना का जहाँ तक संदर्भ है, समाज में सामुदायिक भावना या वी फीलिंग्स या स्वजातीय भावना का होना बहुत अनिवार्य है, जबकि समाज में इस प्रकार की किसी आवश्यकता किसी प्रकार की हम की भावना या सामुदायिक भावना की आवश्यकता नहीं होती है। समाज सामाजिक समूह से मिलकर बनता है, उसके जाल से बनता है, इसलिए उसमें कहीं पर भी ये हम की भावना का अस्तित्व होना कहीं पर भी इसके लिए अनिवार्य नहीं है। और जो अंतिम जो हम उसका अंतर देखते हैं वह है समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, उसका एक पर्टिकुलर नाम भी हो सकता है, क्योंकि गांव कस्बा या नगर जो भी ये समुदाय के जो भी उदाहरण हैं महानगर इत्यादि, इन सब के अपने अपने विशिष्ट नाम होते हैं, जबकि समाज का नाम नहीं होता है। समाज केवल सामाजिक समूह से मिलकर बनता है, उसकी न भौगोलिक सीमा होती है न क्षेत्र होता है, बल्कि वह अपने आप में एक बहुत बड़ा जाल होता है, तो उसका अपना कोई निश्चित नाम भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम समुदाय समाज में इस प्रकार के विभिन्न अंतर पाते हैं। यहाँ पर एक सीमावर्ती समुदाय का कुछ उदाहरण यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि कई बार इस टॉपिक से रिलेटेड समुदाय से रिलेटेड टॉपिक में कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि क्या जाति एक समुदाय के अंतर्गत आता है, या पड़ोस एक समुदाय के अंतर्गत है, या जेल क्या एक समुदाय के अंतर्गत है। तो इसका उत्तर देते हुए मैकाइवर ने ये कहा कि इसको हम सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं। सीमावर्ती समुदाय इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कई बार लोगों में ये होता है कि क्या समुदाय जेल एक समुदाय है, या क्या पड़ोस एक समुदाय के अंतर्गत आता है, या इस प्रकार की बातें कई बार आती हैं। लेकिन हकीकत में हम अगर समुदाय के विभिन्न तत्वों की बात करें, समुदाय के विभिन्न उसकी विशेषताओं की बात करें, तो हम ये पाएंगे कि ये समुदाय के अंतर्गत पूरी तरह से नहीं आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम पड़ोस की बात करें, तो पड़ोस जो है वो अगर हम ग्रामीण समुदाय में देखें तो वहाँ पर तो फिर भी हम ये पाएंगे, आदिम समाजों में हम देखें तो वहाँ पर तो हम फिर भी देखेंगे कि पड़ोस में स्थानीयता होती है, भागीदार उसमें सामुदायिक भावना होती है, जनसंख्या तो खैर होती ही है, इसलिए पड़ोस को समुदाय कहा जा सकता है। लेकिन नगरों और महानगरों में अगर हम देखें तो कि समुदाय के कुछ प्रकार है, तो वहाँ पर स्थानीयता तो होती है परंतु लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं है, उनको पता ही नहीं कौन पास में रह रहा है कौन नहीं रह रहा है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो उसमें कहीं पर भी हमें इस प्रकार की चीज़ देखने को नहीं मिलती है, हम भी फीलिंग्स वाली बात हमें देखने को नहीं मिलती है, एक दूसरे सुख में दुख में भाग लेने वाली बात हमें कहीं नहीं दिखती है, इसलिए उनको समुदाय के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। तो ये एक प्रकार से सीमावर्ती समुदाय है। उसी प्रकार से जाति की अगर हम बात करें तो जाति में भी कुछ विशेषताएँ हो सकती है समुदाय वाले तत्वों से, जैसे हम की भावना है, व्यक्तियों का समूह है, विशिष्ट उद्देश्य को लेकर जाति का निर्माण नहीं होता, जाति ऐसी बनती रहती है। लेकिन समुदाय का एक और तत्व जो है निश्चित भूभाग है, वो जाति में हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक ही जाति के सदस्य विभिन्न भूभागों में से संबंधित हो सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रह सकते हैं, अलग अलग राज्यों में रह सकते हैं, अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं, या वहीं से वो रिलेटेड हों, उनका कोई लेना देना ही नहीं हो, आपस में कोई संबंध ही नहीं हो, तो ये भी सीमावर्ती समूह के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से जेल की भी अगर हम बात करें तो ये बात सही है, मैकाइवर ने कई बार कहा कि जेल जो है उसको हम समुदाय मान सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर हम दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जेल समुदाय इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसका निर्माण स्वतः नहीं होता है। ठीक है, निश्चित भूभाग है, हम की भाग एक ही जेल के वो सारे सदस्य में हम की भावना है या नहीं है, व्यक्तियों का समूह है, निश्चित भूभाग है, लेकिन उसका स्वतः विकास नहीं होता बल्कि जेल को निर्मित किया जाता है। तो ये कुछ उदाहरण यहाँ पर आते हैं, कुछ छोटी ये बिंदु है उसको भी हमें समझना अनिवार्य है, इसलिए इनको सीमावर्ती समुदाय का जो है मैकाइवर ने संज्ञा दी है कि मैकाइवर के अनुसार सीमावर्ती समुदाय की विशेषताएं तो समुदाय से मिलती है लेकिन कुछ विशेषताएं समुदाय से भिन्न भी होती है। तो इसके आधार पर ही सुनिश्चित नहीं किया जाता कि ये समुदाय है या नहीं है, मुख्य रूप से ये समुदाय के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि हम उसको मैकाइवर ने जैसा कहा है सीमावर्ती समुदाय के अंतर्गत ले सकते हैं।